पीतमपुर थाना सेक्टर एक में दो दिन पूर्व हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चंद घंटों में ही हत्या में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामूली विवाद हत्या का कारण बना है। भोला की हत्या महज छोटे मोटे विवाद के चलते की गई। हत्याकांड को बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया गया। मृतक भोला पर पत्थरों से कई वार किए गए। पूरा हत्याकांड शराब के नशे की हालत में किया गया है। जानकारी के अनुसार हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। घटना स्थल का निरीक्षण किया, जो डेड बॉडी को देखने से ही लगता था कि ये हत्या है। तत्काल डेड बॉडी का पंचनामा बनाया गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह को बताया गया एवं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि जो मृतक है उसको स्विफ्ट कार में कुछ लोग पीछा कर रहे थे। उस स्विफ्ट कार का पता साझी की गई जो जयनगर की ही निकली और इस स्विफ्ट कार से आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हो गई। छह आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप करके पूछताछ किया जिसमें पता चला कि ये लोग रात में उसकी हत्या की है। जो छह आरोपी हैं उनके नाम पृथक पृथक सतीश, रौनक, विनोद, मनोज, रोहित और केतन है। इनसे स्विफ्ट कार बरामद कर ली गई है, एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं चाकू बरामद कर लिया गया। इस पूरे मामले को अज्ञात मर्डर को खोलने में लोकेश सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम यशवंत योगी, लक्ष्मी वर्मा, अनिल राजावत और एएसआई पटेल और सूरज तिवारी, महेश यादव इनकी प्रमुख भूमिका रही। हत्या का सर मुख्य कारण क्या रहा? हत्या सडन प्रोवोकेशन, तो त्वरित इनका झगड़ा हुआ और उसी उसमें इन लोगों ने भोला मंसूरी की हत्या। जो गाड़ी प्रयोग की गई स्विफ्ट डिजायर, क्या उसको भी आरोपी बनाया गया? आरोपी बनाया सर, स्विफ्ट डिजायर जिसने यूज किया था उसको आरोपी बनाया गया। सर हत्या किस चीज से की थी इन लोगों ने? पत्थर और चाकू से। वो दोनों जब्त कर लिए गए हैं, मेमोरेंडम जब्त कर लिया गया है। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं सर, इन पर पूर्व में कोई मामले दर्ज है? आदतन अपराधी, इनके आदतन अपराधी भी होना नहीं पाए। सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले सर? ये सभी अलग अलग स्थानों के हैं जो यहाँ मजदूरी एवं पढ़ने के लिए आए हुए। इनका पर पहले से परिचय था क्या दोनों में? परिचय नहीं था इनका आपस में। अच्छा, अचानक ही विवाद हुआ और सडन प्रोवोकेशन। सर कुछ नाबालिग भी है इसमें? नहीं, नाबालिग नहीं। ठीक है सर, आपका नाम बता सर। तरुणेंद्र सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।